दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ड्राई फ्रूट काफ़ी तरह के होते हैं और उन्हीं में से एक है मखाना, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। मखाने को आप अपनी डाइट में शामिल करके इसके कई सारे फ़ायदे ले सकते हैं। असल में मखाने में बहुत कम कैलोरी होती है, इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, फाइबर, आयरन, जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आइए चलते हैं मखाने खाने के फ़ायदे और इसके सही तरीके और इसके नुकसान के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मखाने खाने के फ़ायदे के बारे में। मखाना डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है। मखाना शुगर पेशेंट के लिए एक बेहतरीन नाश्ता होता है। ये डायबिटीज़ वाले लोगों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दोस्तों इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कब्ज होना एक आम बात है। वैसे आपको बता दूँ, मखाना कब्ज़ में फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, सुबह खाली पेट मखाना खाना पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। मखाने में फाइबर के अलावा आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है, जो आपके पेट की कब्ज और गैस की समस्या को कम करता है। मखाना किडनी के लिए सही होता है। आप किडनी के रोग से बचना चाहते हैं तो इसके लिए भी मखाना बहुत मदद करता है। इसके सेवन से किडनी डिटॉक्सिफाई होती है और मजबूत बनी रहती है। शरीर को अंदर से मजबूत करना इस दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत है, यानी इम्यूनिटी बेहतर होना, और मखाना इसमें आपकी सहायता करता है। जी हाँ, मखाने को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसे सुबह के समय दूध या सलाद के साथ खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। पुरुषों के लिए भी मखाना काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। आज की लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण यौन रोग एक समस्या का कारण है। ऐसे में मखाने के सेवन से शीघ्र पतन में आराम मिलता है और सेक्सुअल पावर बढ़ाने में मदद मिलती है, यानी आपकी सेक्स लाइफ बेहतर होती है। प्रेगनेंसी में भी मखाना कारगर साबित होता है, गर्भावस्था में शरीर में होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए मखाना बहुत उपयोगी होता है। मखाने में होने वाले पोषक तत्व प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जिन्हें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का खतरा बन ज़्यादा होता है। वेट लॉस में भी मखाना फ़ायदेमंद होता है। मखाने को पावर और एनर्जी का सोर्स माना जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और आपके फैट को कम करता है। हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है मखाना। मखाने का सही मात्रा में सेवन ब्लड सप्लाई को बेहतर करता है। हार्ट के पेशेंट के लिए सुबह खाली पेट मखाना का सेवन फायदा करेगा। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हार्ट को हेल्दी रखते हैं और हार्ट अटैक जैसी सीरियस प्रॉब्लम की रोकथाम के लिए सही होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के एक मुश्किल काम है। अगर आप नियमित रूप से मखाना खाते हैं तो यह बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करती है। तो आइए चलते बात करते हैं अब इसके नुकसान के बारे में। कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है। मखाने में इतने सारे लाभ होने के बावजूद अगर आप इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप दिन में 25 से 30 ग्राम ही मखाना खाएं। एक दिन में एक मुट्ठी से अधिक मखाना का सेवन करने से आपको नुकसान मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके सही समय के बारे में। अगर आप अपनी सेहत के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए, वो है एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर मखाने को सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।